गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्लॉग नंबर 23। तो भाई एक टाइम हो रहा था डेढ़, तो मैं नहा लिया, एक बस पूजा करांगे, तो ठीक है भाई कर लें फिर। तो भाई चौथ रुपये जैसा दावा, हाँ फिर खेलन जावांगे। तो भाई अपना खरकता आगे वाल खेल के आगे थे, तो अपना खरकता भाई आ रहे थे शादी से काम में, तो उनके मेरी रिश्तेदारी पड़ा थे, थोड़े बैठ गए थे उन दौरा, फिर उन्हें छोड़ आए, तो एक रोटी खा ला भाई, भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग। सो भाई आज तारीख है 22 जनवरी की, सुबह देखी बारिश होना रात की, रात में दो तीन बार उठा था, 1 बजे 2-3 बजे सी, जब भी बारिश होने लग रही है, तो बिस्तर रात में अपने काम में वो शादी थी, अपने करके भाई आ रहे थे, उनके रिश्तेदारी थी काम में, तो वे आए थे रात में सोन, तो 2-3 बजे ही, तो उनकी ये सोड़ रही है पीछे दिखती होंगी, दो भाई थे अपने गले पर डैक दे कई साल तक, एक हारे कुछ का दिल था, तो भाई फिलहाल तो जो है ये 10 कठे हो रहा है, नहा लिया फिर पूजा करके फिर मिला। तो भाई टाइम हो रहा है 5:30 इवनिंग, 7 दिन की बारिश हुई है, एक तो रुक रही है, सही क्रूज है मुझसे, वही उठा था सो के, उसे पानी दिया हुआ एक बार, क्योंकि सवेरा तो बारिश आ रही थी यार, कई बार सवेरे भी आ जा, तो ये दिया हुआ है पानी, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग। तो भाई 8 तारीख है 23 जनवरी, तो आज है सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो अपने गांव के मंदिर में प्रोग्राम कर रखा है युवा क्लब गांव का, उसमें उनने तो उधर चलेंगे, मैं लंबरदार, तो लंबरदार राव है, चलेंगे दिखावांगे भाई के साथ के प्रोग्राम कर रखा, ठीक है भाई, जुड़न लग रहे हैं बालक, तुम जान लग रहे हैं, तो उनको जाके मिला देखा कि साके प्रोग्राम कर रखे। आज हम आप मंदिर प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ, और आज पूरे देश में इनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है, और हमारा देश आजादी का 75वां साल मना रहा है, जिसको हम अमृत महोत्सव अमृत दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी और प्रकाश नेताजी के बारे में भाई मदन देंगे। धन्यवाद सभी गांव के गणमान्य
व्यक्ति सरपंच साहब, भाई जयदेव मास्टर जी और युवा साथी, जैसा कि आप सब पढ़े लिखे हैं और जानते भी, 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। एक तो बात जो बहुत ज़रूरी है जानने युवा साथियों के लिए, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। एक युवा होने के नाते उन्होंने ICS की परीक्षा, जो आज की IAS की परीक्षा है, वो पास की थी। जब वो स्टूडेंट थे तब वो आप जैसे हमारे साथी, हमारे गांव के युवा साथी रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं। इसी तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पर गुलाम ज़रूर थे लेकिन रचनात्मक कार्यों से पहले जुड़े हुए थे। उसके बाद ICS की परीक्षा पास की, जो आज की IAS है, और उन्होंने IAS की परीक्षा छोड़ के जब तैयारी कर रहे थे तो भी उनके बहुत से साथियों ने उनसे कहा कि आप IAS की तैयारी कर रहे हो और आपका देश गुलाम है, तो वो खुद मतलब उससे ज़्यादा उत्तेजित थे कि मेरे युवा साथी भगत सिंह और उनसे छोटे थे दूसरे आज़ादी में हैं और हम यहाँ पर मतलब IAS की तैयारी, एक बड़ी चेयर, एक अच्छी नौकरी के लिए, अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए। लेकिन तब उनके दूसरे साथियों ने कहा कि यदि आज आप इस परीक्षा की तैयारी छोड़ के चले गए तो सारे अंग्रेज ये कहेंगे कि एक भारत का नौजवान जो इस परीक्षा को पास करने आया था वो छोड़ के, तैयारी छोड़ के और फिर गया है, डरपोक है। तो उन्होंने उस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, फर्स्ट डिवीज़न से ICS की, जो आज की IAS है, परीक्षा को पास किया, उस नौकरी को छोड़ा और गांधी जी के साथ आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी जानना है कि एक मैन एजुकेशन, उन्होंने स्ट्रांगली एजुकेट होके फिर इस सफ़र को तय किया। और आपकी तरह जिस तरीके से आप गांव में काम करते, इसी तरीके से स्कूल कॉलेजों में उन्होंने रचनात्मक कार्य किए। तो जो एक युवा रचना करता हुआ अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है, यदि आप रचना कर रहे हो तो वैसे बातचीत कर रहे हो, उसके बाद जो आवाज़ होगी उस आवाज़ में आपकी मदम होगा। उन्होंने खुद ने महसूस किया गांधी जी ने कि आज जो सुभाष चंद्र बोस, उसने बहुत काम किया है और बैकफुट पे होके किया, आज एक वक्त आ गया है इसको आगे किया जाए। और आप 1940 के आसपास जब इलेक्शन, कांग्रेस खुद एक पार्टी थी आज़ादी के आंदोलन की, तो उन्होंने इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट का पार्ट था, मतभेद थे गांधी जी के साथ, कोई दोहरा नहीं, गांधी जी के और उनके पास मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे कि रास्ते अलग हो सकते एक वक्त के साथ। तो जब वो अध्यक्ष चुने जाते हैं और मतभेदों के कारण इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, 1900, विचार अलग है, मतभेद है लेकिन चीज़ों को साथ लेके चलने की बात है। बात है, उनको पता है कि ज़मीन तो कौन जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपको अभी भी उनकी मौत के बारे में अभी भी डाउट है, संदेह है, वो चीज़ें बड़ी डिबेट का विषय है। मेरे जो साथी हैं उसको मेरी चीज़ आते सहमत नहीं हो, लेकिन वो भी एक तरीके अलग रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, दूसरे अलग तरीके कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम हमने छेड़ी है, तो आज नेताजी की जयंती पर इस चीज़ का संकल्प लेके चलें, किस गांव ने एक मॉडल गांव के रूप में हम प्रेजेंट करेंगे, अपना अपना योगदान, जिस भी तरीके का योगदान है वो देंगे, ठीक है। ये आज एक हम संकल्प लेके चलेंगे कि जो एक सिरसा ओड़ा छोटा हा गांव है, वोट बैंक की राजनीति चाहे बड़ा नहीं हो, लेकिन हम एक मॉडल गांव के रूप में रखेंगे, चाहे वो मॉडल बारह गांव की पंचायत का जो हमारे बुजुर्ग रखते हो वो, चाहे हमारे युवा साथी वो रखते हो कि ग्राम पंचायत में निर्मल ग्राम बना के करते हो, किसी भी तरीके का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबका धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो भाई प्रोग्राम हो गया, वो धंधा अपना समाधि काम में, वो धंधा अंग्रेज लगा ना ये प्रोग्राम वापस ले जाओ। ये समाधि है अपन काम में, भाई से सही दो यार, उड़ा ये धंधा लगा।
भाई टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं रात के, तो वसीब उठा था 5-1 बजे से। तो भाई आज गए व्लॉग था, बाकी आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे भाई। जब तक के लिए पिछले व्लॉग देखो, शेयर करो, ठीक है भाई, बाय, गुड नाइट।